इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिव्या था जो बेरशेबा की थी, और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और यहोयादा ने उसके 2 ब्याह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इसराइलियों से रुपए लिया करो जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो। तब भी लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इसराइल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था? उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इसराइल में चलाया था उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। और जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपए बहुत है, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजो और बढ़ईयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए मजदूरी पर रखा। और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इसराइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरयाह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो
तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थरवाह किया। यो राजा योवाश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी उसके पुत्र को घात किया, और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की, और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया, और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था, और योआश को उन्होंने दंड दिया। और जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उससे राजद्रोह की गोष्ठी की थी वे ये थे, अर्थात अम्मोनिन, शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरित, मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबुवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ।